रिपब्लिक भारत चैनल की जंग में साथ खड़ा कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब एफआईआर को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रिपब्लिक चैनल में एफआईआर का नाम उजागर किया, जो कि एफआईआर में रिपब्लिक भारत का नाम उजागर नहीं है, जो कि कमिश्नर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता में और रिपब्लिक चैनल के नाम को इनके द्वारा उजागर का आरोप लगाया गया, जो कि अत्यंत ही अशोभनीय है। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हनन है। इसको कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और जल्द से जल्द इस मामले में कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार गुप्ता कानपुर के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। और उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा है कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमेश यादव, सचिव जितेंद्र दीक्षित एवं सुरेश यादव और दक्षिण प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारी गण प्रेस क्लब में मौजूद रहे। जी, ये आज कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब में किस चीज के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है? मैं धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब अध्यक्ष, दैनिक हिंदुस्तान अखबार का पदाधिकारी। महाराष्ट्र में इंडिया टुडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मगर उस पर रिपब्लिक भारत चैनल का नाम टीआरपी के संबंध में, जिस पर वहाँ के कमिश्नर महोदय द्वारा परमजीत सिंह जी द्वारा एक जो सूचना जाहिर की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि रिपब्लिक भारत चैनल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। रिपब्लिक भारत चैनल को बनाते रहे, जो कि रिपब्लिक भारत चैनल जो सत्य का आईना लोगों को दिखाता है और उसको टीआरपी परचेज करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अर्णब गोस्वामी के 24 साल के कैरियर में, 24 साल के कैरियर में उसने गुन गुन करके उसको बनाया, और वो एक ऐसा एक चैनल है, वो सच्चाई को दिखाता है और दिखाता रहेगा, मगर उस पर जो अंकुश लगाया जा रहा है लगातार शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, ये अत्यंत अशोभनीय कार्य है। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा या वहां पे बैठे प्रशासन में आसीन परमजीत सिंह जी द्वारा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं पला पला चैनल के ऊपर पला पला ये है, जो कि आपने अगर जब उसका एफआईआर में नाम दर्ज हो तब आप कहते इंडिया टुडे का नाम एफआईआर में तहरीर में तीन जगह है, रिपब्लिक भारत चैनल का नाम कहीं भी नहीं। कहीं ना कहीं उसको उस चैनल की टीआरपी को बदनाम करने के लिए प्रशासन क्या ऐसी हरकत कर सकता है? उसी जगह परमजीत सिंह विरुद्ध रिया चक्रवर्ती वाला देखिए प्रकरण, सुशांत सिंह सिंह वाला देखिए, पाक घर मुद्दा देखिए, ये सारे प्रकरण को उसने रिफ्लेक्ट कराया, दर्शाया था और आम जनमानस तक उसकी पल पल की खबरें पहुंचाई, मगर अन्य चैनलों ने उसको बाद में दिखाना चालू किया, लेकिन वो अगला व्यक्ति सत्य की लड़ाई को लड़ता रहा और चैनल में लगातार दिखाता रहा। 14-14 घंटे उसके पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की जाती है सारी चीजें। क्या लोकतंत्र अब इसी चीज के लिए रह गया? एक तरफ लोगों को आम जनमानस को खबरें दिखाया और दूसरी तरफ अपनी इंक्वायरी कराया। और रही बात टीआरपी परचेज करने के संबंध में, टीआरपी परचेज करने के मुझे नहीं लगता रिपब्लिक भारत चैनल को आज की डेट में किसी की बैसाखी की जरूरत है। रिपब्लिक चैनल अपने आप में एक खुद है, उसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। आज जितने भी आम जनमानस है रिपब्लिक चैनल को मन से दिल से पसंद करते हैं और देखते हैं। रिपब्लिक भारत चैनल एक ऐसा चैनल है हमारे लिए कोई भी न्यूज चैनल हो, क्योंकि कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब एक संगठन है, वो सभी पत्रकारों की लड़ाई में कहीं भी होगा आगे आकर के लड़ेगा। और रिपब्लिक भारत चैनल को अगर इस तरह दबाया गया तो हम सभी कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के जितने पदाधिकारी व सदस्यगण हैं, जिलाधिकारी महोदय व मंडलायुक्त महोदय व ACM2 महोदय को ज्ञापन देंगे, सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे कि इस तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अगर हनन हो रहा है वो बहुत ही गंदा कृत्य है। ऐसे कृत्य अगर मीडिया कर्मी के साथ होते हैं तो ये बहुत ही अशोभनीय कार्य है।